झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुंभा खेड़ी बिजोरी कच्चा मार्ग पूर्णतः जर्जर हो चुका है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, जिससे कि ग्राम पंचायत कुंभा खेड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं को कुंभा खेड़ी कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ग्राम झकनाहोदा हाई स्कूल पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को भी उपचार करवाने या प्रसूतियां करवाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्यापार खरीदी करने आना पड़ता है। वहीं कुंभा खेड़ी से बिजोरी 3 किलोमीटर मार्ग पर होकर आना पड़ता है, जिससे कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलने में ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरपंच कुंभा खेड़ी राजू डामर ने बताया कि हमारे द्वारा उक्त कच्चे मार्ग पर मुरुम डलवा कर समस्या का समाधान तो किया जाता है, लेकिन फिर भी गड्ढे ही इतने हैं कि पूरी तरह हम उन गड्ढों को मुरुम डालकर बंद करने में सक्षम रहते हैं। वह इस हेतु हमने कई जनप्रतिनिधियों को आवेदन देकर अवगत भी कराया, लेकिन इस पर ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और छात्र छात्राओं ने बताया कि बारिश अत्यधिक होने से उक्त मार्ग पर 2 से 3 नाले पड़ते हैं, जिस पर नाली अत्यधिक होने से घंटों स्कूली छात्र छात्राओं को नाले में पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि हम स्कूल पहुंचने में भी घंटों लेट हो जाते हैं, जिससे हमें स्कूल में टीचर द्वारा डांट भी पड़ती है। झकनाहोदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। रोज खाली आ जाती है और हम कभी कभी गिर भी जाते हैं, और कुंभा खेड़ी से झकनाहोदा तक सब खालियाँ खराब है और रास्ता अच्छा नहीं है। हमारा कुंभा खेड़ी से बिजोरी तक रोड बिल्कुल बेकार है, खालियाँ 3-4 खालियाँ लगती है, तो बहुत परेशानी आ रही है हमारे 9वीं से 12वीं तक 13वीं तक सोरा सोरी जाता है, बहुत परेशानी आ रही है, तो उनको ये रोड बनना चाहिए। पढ़ने कहाँ जाते हैं? झकनाहोदा।